दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश टेक यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर दोस्तों आप भी यूट्यूब पर काम करते हैं और 1000 सब्सक्राइब और 4000 घंटा का वॉइस टाइम कंप्लीट कर लिए हो तो मेरे तरफ से थैंक यू, क्योंकि आपको मालूम है कि शुरुआती में दोस्तों 1K करने में और 4000 घंटा वह कंप्लीट करने में पसीने छूट जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। और दोस्तों 1K और 4000 घंटा जब भी आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद दोस्तों आपका अर्निंग स्टार्ट हो जाता है। अर्निंग जो एड उड दिखाता है आपके वीडियो में उसके बाद $10 हो जाता है आपके गूगल एडसन के पेज पे $10 हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आप जो दोस्तों आप अपना बैंक अकाउंट कैसे ऐड कर पाएंगे यही हम आपको बताएंगे। और जो दोस्तों बैंक अकाउंट में ऐड तो सब कोई कर लेगा, लेकिन आपको एक ट्रिक बताऊँगा जिससे दोस्तों आपका डायरेक्टली आपका जो पगार जो है आपका पेमेंट जो है डायरेक्ट एक ही बार में आ जाएगा। झंझट करने की ज़रूरत नहीं, एक ही बार में आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो जो भी बैंक आप ऐड करना चाहते हैं उसका स्विफ्ट कोड होना ज़रूरी है, क्योंकि उसी के कारण से हमारा जो है बैंक में पैसा आता है वायर ट्रांसफ़र के थ्रू। अपना जो भी बैंक अकाउंट है उसका ब्रांच में जाना है और आपको वहाँ से पता करना है, या आप इंटरनेट से भी पता कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं अपना मोबाइल के स्क्रीन पर जाता हूँ, गूगल ओपन कर लेता हूँ क्रोम ब्राउज़र, और यहाँ पे अपना जैसे कि मेरा बैंक ऑफ इंडिया है तो मैं यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया लिखूँगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ब्रांच का नाम लिखूँगा, जैसे मेरा बाड़मेर है तो बाड़मेर, और दोस्तों स्विफ्ट कोड लिख दूँगा तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि मेरा दोस्तों आ चुका है। तो दोस्तों इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और दोस्तों ये हमको पहले से ही मालूम था, लेकिन दोस्तों फिर भी मैं जो है गया था बैंक ऑफ इंडिया में अपना वो आधार कार्ड पैन कार्ड और खाते का जरा है वहाँ पे मैं स्विफ्ट कोड लिख दिया और मैनेजर को दे दिए कि हमें सर मैं एक यूट्यूबर हूँ और हमें जो है स्विफ्ट कोड की ज़रूरत है, हमें जो गूगल एडिशन पेज पे हमें अपडेट करना पड़ता है तभी हमारा पगार आता है, ठीक है, पेमेंट आता है। तो उसने हमें जो है दे दिया फटाफट से तुरंत से। तो दोस्तों आप भी इस तरह का कन्फर्मेशन कर लीजिएगा आप भी, ताकि आपका कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो आप जाके कर सकते हो तो आएगा कि ये एक्चुअली है स्विफ्ट कोड, ठीक है। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में आ जाना, उस पर आपको क्लिक कर लेना। और दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स में एक बार फिर से क्लिक कर लेना और यहाँ पर आपको जो है टाइप कर लेना है गूगल एडसेंस। यहाँ पर जैसे आप टाइप करके सर्च करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत छोटा छोटा दिख रहा है ये, और ये प्रोसेस जो है आप दोस्तों कंप्यूटर लैपटॉप से भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे जो है दोस्तों मोबाइल से करके आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आ जाऊँगा और यहाँ पे डेस्कटॉप जो साइड है इसको हम ऑन टिक कर दूँगा तो हमारा जो है बड़ा बड़ा दिखने के लगेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और सेकेंड नंबर में जो गूगल एडसन लिखा गया है उस पर टैप कर आपका पेज कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होने लगेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे आपका जो बैलेंस लिखा गया है उसके राइट साइड तरफ आप देखिए 3 डॉट दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं तो 3 डॉट पे आपको क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे जो पहले वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है व्यू पेमेंट्स पर, और जैसे क्लिक कर लेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको थोड़ा नीचे आ जाना है और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हाउ यू गेट पेड, तो यहाँ पे आपको जो ऐड पेमेंट मेथड पर आपको एक बार क्लिक कर दे। यहाँ पे आपको जो दोस्तों यहाँ पे आपको जो फिल करने के लिए आ जाएगा, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बेनिफिशरी आईडी, यहाँ पे जो आपको दोस्तों कुछ भी टाइप नहीं करना है, फिल नहीं करना है। यहाँ पे आपको जो है नेम ऑफ बैंक, जो भी आपका बैंक में नाम है दोस्तों, जैसे कि आपका जो भी पासबुक में नाम है आपका सही सही यहाँ पर आपको फिल करना है। तो मेरा है प्रकाश कुमार महतो, तो मैं यहाँ पर फिल करूँगा। और दोस्तों उसके बाद फिर से आ जाता है बैंक नेम, आपका SBI में बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया में भी आपका बैंक है, यहाँ पे आपको उस बैंक का नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको आ जाता है IFSC कोड, ये जो आपको दोस्तों मिल जाएगा आपका अकाउंट पासबुक में ही मिल जाता है, खाते में ही मिल जाता है IFSC कोड। आ जाता है स्विफ्ट कोड, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि स्विफ्ट कोड कहाँ से मिलता है, क्या करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर फिर आपको मिल जाता है अकाउंट नंबर, जो भी आपका पासबुक में नंबर है तो यहाँ पे आपको टाइप कर लेना, और यहाँ पे जो टाइप करेंगे फिर से आपको फिर नीचे से भी आपको टाइप कर लेना री टाइप अकाउंट नंबर, वही टाइप अकाउंट नंबर आपको फिर से दोबारा से फिल कर लेना है। और दोस्तों यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे सारे चीज़ को मैं भर लेता हूँ और आपको बताता हूँ।
फ्रेंड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ मैं टोटली चीज़ जो फिल कर लिया हूँ यहाँ पे, तो देख पा रहे पहले जो है मैं अपना जो पासबुक में नाम है वो मैं अपना नाम लिख चुका हूँ प्रकाश कुमार महतो, ठीक है। और यहाँ पे बैंक नेम जो भी है मेरा बैंक ऑफ इंडिया है, तो मैं बैंक ऑफ इंडिया लिख चुका हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आईएफएससी कोड भी लिख चुका हूँ, उसके बाद स्विफ्ट कोड भी डाल चुका हूँ, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अकाउंट नंबर जो लिखा हूँ उसके बाद फिर से अकाउंट नंबर में लिख चुका हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इतना आपको जो मेन इंपॉर्टेंट जो रहता है दोस्तों ये ही है स्विफ्ट कोड। तो आपको ये वाला अच्छा से सबको आपको अच्छा से एक बार देख लेना है, गड़बड़ी नहीं करना है यहाँ पर, नहीं तो आपका होल्ड भी हो जाएगा पगार आने में। आपको गड़बड़ी नहीं करना है यहाँ पर, आपको दोबारा तीन चार बार आपको अच्छा से चेक कर लेना है। चेक जैसे कर लीजिएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आके सिर्फ आपको सेव का ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट जो है, तो देख पा रहे दोस्तों यहाँ पर जो है मेरा बैंक जो है ऐड हो चुका है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बैंक ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट यहाँ पर मेरा हो चुका। आप बैंक अकाउंट सही तरीके से ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी अगर हेल्प मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।